जब मैंने एग्जाम दिया था तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी नहीं था। और इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपकी यहाँ पे जीएस सेक्शन में कुछ एडिशन हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता है करंट अफेयर कहाँ से पूछ लेंगे कि क्या एचपी की जीके हमें पढ़नी पड़ेगी। बात करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप इसको टू डू लिस्ट में मेंटेन करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मेंस एग्जाम प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है इसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए सेक्शन आएगा। वैसे तो आपको आइडिया मिल गया होगा प्री का एग्जाम देकर कि किस तरीके का लेवल रहता है, किस तरीके का एग्जाम आता है। और जैसे आपने प्री के लिए प्रिपेयर किया है, सेम एज इट आपको मेंस एग्जाम के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आप अदर बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। रीजनिंग के लिए आप आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस लेवल के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है। बात करें रीजनिंग की तो काफी इजी रहता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी नहीं था, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बट हाँ, इतना है कि अगर प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम आप आरआरबी क्लर्क मेंस या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की रीजनिंग को अटेम्प्ट करती हो तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छी आपकी अटेम्प्टेशन हो जाए। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट का लेवल भी काफी ठीक रहता है, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ ये है कि काफी हद तक ठीक रहता है। बट ये है कि बहुत ज्यादा नहीं, तो आप 20 के अराउंड तो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ये नहीं है कि कर ही सकते हो, आपको उस तरीके की प्रिपरेशन भी रखनी होगी, उस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होगा। तो अब जब मॉक टेस्ट की बात हो रही है तो मैं आपको बेस्ट सोर्स बता दूं, टेस्ट बुक आप सबके लिए सेल लेकर आया है उम्मीद की किरण। इसमें आपको ईयरली पास प्रो मिल रहा है सिर्फ 439 में। अगर आप टपरी कोड यूज करोगे तो आपको 12% ऑफ मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज मिलेंगे, जिससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। और इसके साथ ही जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके आप अलग से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो या फिर क्विज लगा सकते हो, ताकि आप उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर सको। इसके साथ ही आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, एक्यूरेसी और परसेंटाइल को भी देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। सो इस सेल को चेक करना मत भूलना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो। मैम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर उस लेवल की इंग्लिश आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए इस एग्जाम की इंग्लिश तो काफी इजी हो जाएगी। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, लगता है कि टाइम बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं जीए सेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे जीए सेक्शन में कुछ एडिशन हुआ है, मतलब अदर एग्जाम से इसमें थोड़ा एडिशन होता है। फर्स्ट वन, तो आप जिस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो आपको वैसे ही करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, बट ध्यान रहे सारे करंट अफेयर प्रिपेयर करना, 15 दिन पहले तक के वे करंट अफेयर मत छोड़ना, क्योंकि आपको नहीं पता है करंट अफेयर कहाँ से पूछ लेंगे, कौन से मंथ के आ जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंस एग्जाम था, उससे पहले मैंने आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस दिया था, और जिस टाइम मैं मेंस के एग्जाम दे रही थी उस मंथ का मेरा करंट अफेयर काफी हद तक छूट गया था। उसके साथ में इस एग्जाम का मेंस आ गया, तो उस टाइम पे ये मंथ थोड़ा बहुत आधा अधूरा पड़ा था, बाकी जो मंथ थे वो काफी अच्छे से पड़े थे, क्योंकि वो मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करे थे। और जब एग्जाम में देखा तो वहां पे जिस मंथ के प्रिपेयर नहीं किए थे उसी मंथ के ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। सो मेक श्योर कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेंस के एग्जाम के टाइम बीच में कोई और एग्जाम आ जाता है, तो आप करंट अफेयर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो पिछले महीने से ज्यादा करंट अफेयर पूछ लेंगे या फिर 2-3 महीनों के मिक्स पूछेंगे। पूछे तो उन्होंने 4-5 मंथ्स के थे, बट ज्यादातर उन्होंने उससे पिछले मंथ के पूछे थे जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे हुए थे। सो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, सबको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि क्या एचपी की जीके हमें पढ़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपको एचपी की जीके पढ़नी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डिटेल में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बेसिक तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था काफी बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब ये एग्जाम दूसरी बार हो रहा है, मतलब प्री मेंस दो एग्जाम जैसे कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले ये एक ही एग्जाम कंडक्ट करते थे, जब मैंने दिया था वो फर्स्ट टाइम था और अब ये सेकेंड टाइम हो रहा है। ज्यादा नहीं,
तो कम से कम बेसिक सी जीके तो आप पढ़ के जाओ। वो कोई भी एचपी की जीके की बुक परचेज कर लो और उस बुक पर से डेली के दो दो तीन तीन पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अपनी स्टेट को जानने का मौका मिलेगा, कहाँ पे क्या क्या है, बहुत सी चीजें पता रहेंगी जो हमें नॉर्मली पता नहीं होता है कि किस स्टेट में क्या चल रहा है, वहां पे अच्छा ये चीज भी है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। सो मेक श्योर कि आप डेली के डेली दो से तीन पेजेस पढ़ते रहो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ था कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं बोला था, मतलब आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बहुत ज्यादा तो आपको भी कहाँ से कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, बट सर्च कर लेना कब ये बैंक एस्टैब्लिश हुए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांचेज हैं, और इसके अलावा आप कितनी टोटल ब्रांचेज हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। अगर आपको वहां से हो सकता है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए और आपको वो भी ना पता हो, तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना। बाद में किस तरीके के बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, और बेसिक सी बैंकिंग अवेयरनेस जरूर पढ़ लेना। हो सकता है कि बैंक का नाम उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया है और वो बैंक से रिलेटेड कुछ ना पूछ के बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछने लग जाए, तो आप वो भी साथ में प्रिपेयर करके जाना। बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट में, आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप इसको टू डू लिस्ट में मेंटेन करोगे। दिन की शुरुआत करोगे सबसे पहले आप इंग्लिश के सब्जेक्ट से, उसमें आप एडिटोरियल रीड करोगे या फिर परफेक्शन क्लास लगाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लेना, अगर आपने किसी और टीचर को फॉलो कर रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं हमारी इंग्लिश ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ काफी हद तक थोड़ा बहुत हमें एडिटोरियल समझ आ जाते हैं, तो आप फिर क्विज से ही प्रिपेयर करिए। सेकंड नंबर पे आप करंट अफेयर की क्लास लगवाओगे, स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, मेरी वीडियो भी आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि आप यहाँ स्लो स्लो वीडियो देखोगे उसको कोई भी मतलब नहीं है, बस आपका फोकस होना चाहिए कि मेन पॉइंट जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद आप स्पीड इंक्रीज करके देखोगे करंट अफेयर की क्लास की, तो आपका काफी टाइम बचेगा। ये दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, छोटा सा ब्रेक लोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लोगे तो मुझे लगता है काफी फ्रेश माइंड रहेगा, क्योंकि अगर 10 बजे के आसपास अपना आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप आराम से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और इसके बाद आप उसका एनालाइज भी करो। एनालाइज करने का अगर मन नहीं है एकदम से कि अभी तो मॉक टेस्ट दिया और अभी साथ में एनालाइज नहीं करना है, तो रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी पढ़ने का। सो रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसके बाद आप रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, रीजनिंग में आप पजल्स वगैरह की जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको पता है क्लर्क का एग्जाम है तो पजल्स वगैरह में आपकी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की पजल तो नहीं आएगी बट हाँ जो भी पजल आएंगे उनको जरूर अटेम्प्ट करना ताकि आपका स्कोर हो। इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेना, आप नैप वगैरह ले सकते हो, और जब फिर से फ्रेश माइंड से उठोगे तो उसके बाद आप क्वांट प्रिपेयर करोगे। क्वांट में स्पीड मैथ तो आपको चलो पता ही है, डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवाइज करना ही है, उसको तो स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप मेंस लेवल की डीआई लगा सकते हो या फिर मेंस लेवल के क्विज लगा सकते हो। अगर किसी को लगता है कि अर्थमैटिक हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो कुछ गिने चुने चैप्टर्स ले लो और उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर फिर भी लगता है कि मेंस लेवल की डीआई कहां से लगाए, अर्थमैटिक के क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करें, तो जो आपने मॉक टेस्ट दिया था ना उस मॉक टेस्ट के क्वांट सेक्शन को आप दोबारा से सोल्व करके देख सकते हो। अटेम्प्ट तो नहीं करना है, बस सोल्व करके देख सकते हो क्वेश्चंस वगैरह। बट ध्यान रहे जो चैप्टर आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में सोल्व नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर आपके बेसिक से क्लियर नहीं है वहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा आप क्लर्क लेवल की डीआई भी सोल्व कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्री में आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वीडियोज को मत देखो पॉज कर दो बट आप डीआई को सोल्व कर लो। और यहाँ पे आपके चारों सेक्शन कंप्लीट होते हैं और जो आपने सुबह मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था उस मॉक टेस्ट को अब आप एनालाइज करोगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करना, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप एचपी की जीके प्रिपेयर करोगे। ज्यादा नहीं 3 से 4 पेजेस पढ़ लेना या फिर 2 से 3, जितना पढ़ने के लिए आप कैपेबल हो उस हिसाब से पढ़ना। फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप करंट अफेयर की एक बार पीडीएफ जरूर रिवाइज कर लिया करो या फिर क्विज अटेम्प्ट कर लिया करो ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि सुबह जो आपने वीडियो में देखा था सुना था वो आपको याद भी है या फिर नहीं, एक बार आपकी रिविजन हो जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर अभी भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।